बच्चों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फायर में। तो हम लोग कर रहे हैं सेट, ये सेट का सेकेंड वीडियो लेक्चर है। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जाना सेट क्या होता है, सेट को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से राइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक्सरसाइज 1.1 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। जो हमको वर्ड दिया हुआ है, जो हमको सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को हमको पढ़ के बताना है कौन हमारा सेट है, जस्टिफाई और आंसर, और अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ए ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जी। तो देखो, साल भर में उस मंथ का कलेक्शन जो जे लेटर से स्टार्ट होता है, साल किसी ईयर में उस मंथ का कलेक्शन जो जे से स्टार्ट होता है तो क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा। फरवरी मार्च नहीं होगा, अप्रैल मई नहीं होगा, जनवरी के बाद जून जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सब नहीं होंगे तो क्या होगा, सिर्फ जनवरी जून और जुलाई। अगर ये बोला जाएगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, जनवरी जून जुलाई, आपके माइंड में क्या आएगा, जनवरी जून एंड जुलाई। अगर किसी से भी हम पूछेंगे कि द कलेक्शन ऑफ ए ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे, तो सबके माइंड में क्या आएगा, जनवरी जून और जुलाई आएगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं, वेल डिफाइंड सेंटेंस। वेल डिफाइंड का मतलब अगर वो आपके सामने बोल रहा है तो सबके माइंड में वही आंसर आएगा। तो सबके माइंड में यही ना आंसर आएगा कि किसी माइंड के किसी के माइंड में नवंबर दिसंबर आ जाएगा, ये सब तो नहीं आएगा ना। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जे से, तो जनवरी जून और क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। फिर दूसरा दिया है तो यानी पहला हमारा सेट होगा, समझ में आया, पहला हमारा सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। फिर दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब देखो, मोस्ट टैलेंटेड राइटर से हम लोग कैसे समझ पाएंगे कौन टैलेंटेड है। आप बोलोगे मुंशी प्रेमचंद हो गए, हाँ इस तरीके से आप नाम लेते जाओगे 10 लोग का। लेकिन अब जो इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो वो टैलेंट किस एरिया में देखा जाएगा, बोलेगा कोई काव्य के लिए है, कोई पोएट्री के लिए है, कोई गद्य के लिए है, कोई हास्य चीज़ों के लिए है। सबका एरिया, सबका ब्रांच क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सब ब्रांच में हम लोग देखते हैं ना, और सबके लिए हर एक राइटर एक जैसा नहीं होगा, सबके लिए टैलेंटेड अलग अलग होंगे। कोई किसी और राइटर को पसंद करता होगा, कोई किसी और राइटर को पसंद करता होगा। तो इस तरीके से टैलेंटेड डिवाइड हो जाएंगे तो ये हमारा सेट नहीं होगा, ये हमारा सेट नहीं होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। बोला है 10 मोस्ट टैलेंटेड बोल दिया है, और 10 मोस्ट टैलेंटेड में रविन्द्रनाथ टैगोर भी आ जाएंगे, इस तरीके से बहुत लोग आ जाएंगे ना, सबके माइंड में अलग अलग बनेगा। अभी थर्ड है तो बी नहीं होगा, सी है। ए टीम ऑफ ए 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में 11 बेस्ट क्रिकेट का जो कलेक्शन है, क्रिकेट बैट्समैन का जो कलेक्शन है, वो सेट होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग सोचो, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, हम लोग इंडियन है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, पहला विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, धोनी तो निकल गए लेकिन फिर भी हम लोग बोलेंगे MS धोनी सबसे आगे, क्या बोलेंगे, MS धोनी सबसे आगे। तो हम लोग इंडियन है तो अपना इंडिया ही दिखाएंगे ना, मतलब इंडियन क्रिकेट बैट्समैन को ले लेंगे, अदर कंट्री वाले वो अलग 11 को ले लेंगे, और अलग कंट्री वाले अलग 11 प्लेयर को ले लेंगे। तो सबका बैट्समैन अलग अलग होता है। आप किसको बैट्समैन मानते हो, अच्छा MS धोनी को मैं मानता हूँ, आप बोलोगे रोहित शर्मा को, कोई बोलेगा विराट कोहली को। तो इस तरीके से सबका बैट्समैन जो बेस्ट बैट्समैन है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो सबके माइंड में अलग अलग आएगा, इसलिए हमारा सी भी क्या होगा, सेट नहीं होगा। सी हमारा क्या होगा, सेट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में सभी बॉयज का कलेक्शन, तो आपके क्लास में जितने बॉयज हैं आपका भी उतना होगा। आपके फ्रेंड जो आपका फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो भी वही देखेगा ना, जितने बॉयज हैं उतने ही रहेंगे। तो बॉयज का कलेक्शन आपके क्लास में, बॉयज का कलेक्शन आपके क्लास में, ये हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर ये बोला जाए कि 10 बॉयज का कलेक्शन इन द इंडिया, इंडिया में 10 बॉयज का कलेक्शन, तो क्या हो जाएगा, 10 बॉयज तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को राइट कर दोगे,
कोई और अपने फ्रेंड सर्कल को राइट कर देगा, तो इस तरीके से सबके लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। समझ में आया, ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। मैंने सेट के लिए क्या बताया था, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। और वेल डिफाइंड न समझ में आए तो ऐसा समझिए, अगर कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा तो जो मैं सोच रहा हूँ वो दूसरा भी सोचेगा ना, तभी वो क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। जैसे है, अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर 5 आ रहा है, तो सबका आंसर 5 ही आएगा ना, सबके माइंड में 5 ही आएगा ना, तब वो करेक्ट आंसर होगा। सबका अलग अलग आ जाएगा तो फिर तो गलत हो जाएगा। फिर दिया है द कलेक्शन ऑफ ए ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो 100 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 100 से छोटा लेना है यानी 99 तक लेना है, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 99 तक। तो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन। अगर किसी से बोला जाएगा कि 100 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेना है, तो सब लोग यही ना राइट करेंगे, और जब यही राइट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो ई जो है हमारा क्या हो गया, सेट है। डी भी हमारा सेट है, ए भी हमारा सेट है। अब आते हैं एफ पे, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो नोवेल है उनका कलेक्शन। तो भाई मुंशी प्रेमचंद जो होंगे उनका फिक्स कलेक्शन होगा ना, ऐसा नहीं कि 1000 crore लिखे हैं, जो है उनका फिक्स है। और मुंशी प्रेमचंद की सिर्फ बात कर रही है तो और राइटर का बात नहीं करेंगे, भले आपको नहीं पता है कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा है, लेकिन जब कलेक्शन बनाने बैठेंगे तो आप लोग सर्च करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या क्या लिखा है, उन्हीं कलेक्शन को आप लोग सेट में डिफाइन करेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। समझ में आया वेल डिफाइंड से। इसके पहले वाली आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि वेल डिफाइंड का मीन हमको समझना क्या है, वेल डिफाइंड का मीन आपको समझना क्या है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक रहेगा, वहां से जाके देख लीजिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर जी है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर, इंटीजर का कलेक्शन, और इंटीजर कैसे होने चाहिए, इवन। तो इवन इंटीजर क्या होता है बताइए, इवन इंटीजर क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर बोला है। इंटीजर क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो होता है, तो इवन बोला है। वन तो इवन नहीं है, वन तो ऑड हो जाएगा, तो टू से स्टार्ट करेंगे, 2, 4, 6 और ये कहाँ तक आएगा, नॉट डिफाइंड। तो सब लोग ऐसे ही लिखोगे ना, 2, 4, 6 से स्टार्ट करोगे। अब हो सकता है एलिमेंट आगे पीछे हो जाए, आप 4, 6, 2 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेट में उतने ही रहेंगे, ठीक है। अब ये भी जी हमारा सेट हो गया। अब आते हैं एच पे, दिया है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्वेश्चन का कलेक्शन। अभी इस चैप्टर में अगर आप लोग 1.1 देखोगे तो क्वेश्चन का कलेक्शन क्या होगा, फिक्स होगा ना, क्वेश्चन का कलेक्शन फिक्स होगा। तो ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। अगर आपके क्लास का कोई बच्चा है उसके पास एनसीईआरटी है, तो 1.1 क्वेश्चन जो आप में होगा वही उसमें होगा, आपके गर्लफ्रेंड में भी वही होगा, तो सब में क्या होगा, वही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और आई है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन वर्ल्ड में, मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन क्या हो जाएगा। अब बोलोगे आप सर टाइगर है, मैं तो बोलूँगा भाई कोबरा है। कोई बोलेगा सर वो था, कोई और जानवर बोल देगा सर डॉग है, पिटबुल है। तो सबके लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग हो जाएंगे ना। अभी कोई अलग कैटेगरी में डेंजरस होता है, कोई अलग कैटेगरी में डेंजरस होता है, तो सबके लिए डेंजरस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सबके लिए डेंजरस अलग अलग हो जाएगा। आप शेर से डरते होंगे, लेकिन जो जू में रहता है वो शेर से नहीं डरता होगा, शेर से नहीं डरता होगा, उसको पालता होगा, उसको खिलाता होगा। तो सबके लिए डेंजरस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया, आपने वीडियो भी देखा होगा दुबई वगैरह में, वहाँ सब लोग शेर को पालते हैं, शेर को पालते हैं तो वो लोग डरते नहीं ना, उसको डेंजरस नहीं मानते। लेकिन हम लोग तो देखते भी नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेंजरस है भाई, बहुत डेंजरस है। तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, तो ये हमारा सेट नहीं होगा, ये हमारा सेट नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट सेट था, और फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, और एट है, और इसके बाद नाइन हमारा सेट
नहीं है, नाइन हमारा सेट नहीं है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 और क्या है 6 है। हमको इंसर्ट करना है द अप्रोप्रिएट सिंबल। देखिए ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग टू। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग टू। और ये जो सिंबल होता है नॉट बिलोंग टू, ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग टू, ये हो जाएगा। तो हमको जो इम्प्रोप्रिएट सिंबल है बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू को ब्लैंक स्पेस में क्या करना है? भरना है। अब देखिए जो फाइव है, जो फाइव है क्या वो सेट ए का एलिमेंट है? सेट ए से बिलोंग करता है? अगर करता है तो यहाँ पे बिलोंग टू का सिंबल, अगर नहीं करता है तो नॉट बिलोंग टू का क्या होगा? सिंबल होगा। जैसे आप देखिए आपकी फैमिली है, आपके फैमिली में आप हो गए, आपके फादर हो गए, आपकी मदर हो गए, सिस्टर हो गए, एक बच्चा और हो गया, एक छोटा भाई आपका हो गया। तो मैं बोलूँगा आपका जो छोटा भाई है वो आपके फैमिली से बिलोंग करता है? तो हाँ बोलोगे, हाँ बिलोंग तो करता है। जैसे एक सेट ए को जो है फैमिली समझिए, फैमिली में कितने मेंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर है। एक मेंबर का नाम 1 है, एक मेंबर का नाम 2 है, एक का 3, इस तरीके से 6वें मेंबर का नाम दिया है। तो मैं पूछूंगा जो 5 है, जो जिसका नाम 5 है, क्या वो फैमिली ए से बिलोंग करता है? तो आप बोलोगे हाँ बिलोंग करता है। जब बिलोंग करेगा तो हम लोग बिलोंग टू का सिंबल इस तरीके से क्या हो जाएगा? बिलोंग टू का सिंबल। और 8 जो है, जिसका नाम 8 है, क्या वो फैमिली ए से बिलोंग करता है? नहीं बिलोंग करता, ए में है वो नहीं है। तो यहाँ पे नॉट बिलोंग टू, बिलोंग टू करने के बाद क्रॉस लगा देंगे, कट कर देंगे, तो नॉट क्या हो जाएगा? बिलोंग टू। अब 0 बिलोंग करता है, 0 तो फैमिली में है ही नहीं, किसी का नाम ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग हो जाएगा। 4 बिलोंग करता है तो ये हो जाएगा बिलोंग हो जाएगा, और 2 भी बिलोंग करता है तो ये भी हो जाएगा बिलोंग, और 10 बिलोंग नहीं करता तो ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कराया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम लोग? थर्ड करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, दिया द राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हमको जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया गया है उसको हमको रोस्टर फॉर्म में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको कॉमा करके हम लोग राइट करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, वो दिया है ए इज इक्वल टू, ए एक सेट है और एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, और एक्स हमारा क्या होगा? इंटीजर होगा। एंड जो एक्स है -3 से बड़ा और 7 से क्या होगा? छोटा। एक्स हमारा इंटीजर है और एक्स -3 से बड़ा और -7 से क्या है? वो 7 से क्या है? छोटा। तो बताइए वो हमारा एलिमेंट क्या बनेगा? एलिमेंट क्या होगा? देखिए -3 से बड़ा तो -3 तो नहीं लेना है, और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर पॉजिटिव नंबर होंगे, निगेटिव नंबर होंगे, और क्या होगा? 0 होगा। तो -3 से बड़ा लेना है तो -3 से बड़ा -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 से बड़ा 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, 7 से छोटा लेना है 4, 5, 6। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर जो -3 से बड़ा और 7 से क्या है? छोटे हैं। तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या करना है? x है और x क्या है? नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर है वो 6 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे जो इसका सेट बनेगा, सेट वो रोस्टर फॉर्म में 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। आपको ये सब पता होगा ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो आप लोग इजीली कर पाओगे। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सी एक सेट है और एलिमेंट को डिफाइन कैसे किया गया? एक्स है और एक्स क्या है? 2-डिजिट नंबर। जो हमारा एलिमेंट है सेट का वो 2-डिजिट नंबर है, और इस तरीके से है कि दोनों डिजिट्स का जो सम करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा।
दोनों डिजिट का सम करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका हमारा जो सेट बनेगा, देखिए टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होगा, और दोनों डिजिट का सम करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम लोग 17 लेंगे, तब 1 और 7 कितना होगा, 8 आ जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 के बाद देखो 19, 20 ये सब तो होना नहीं है, 17 के बाद क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अभी 26 के बाद इसमें कुछ भी नहीं होगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 62 हो जाएगा, और फिर 71 हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, 80। तो ये सब जो एलिमेंट हैं वो टू डिजिट नंबर के हैं, टू डिजिट हैं, और दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना आएगा, 8 आएगा। समझ में आया, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो थर्ड वाला जो सेट बिल्डर फॉर्म में था उसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फर्स्ट को कन्वर्ट किया, सेकंड को कन्वर्ट किया, थर्ड को कन्वर्ट किया, अब हम लोग फोर्थ को कन्वर्ट करेंगे। दिया है डी एक सेट है और एक्स दिया है, फिर एक्स के बारे में क्या बताया है, एक्स जो है हमारा प्राइम नंबर है, एक्स के बारे में बताया है कि एक्स क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जानते हो ना, जिसके दो डिवाइजर होते हैं, ऐसा नंबर जिसके दो डिवाइजर होते हैं, जो अपने आप से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, तो दो डिवाइजर हो जाएंगे तो वो हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर। वन प्राइम नंबर नहीं होता, टू होता है, थ्री होता है, फाइव होता है, सेवन होता है, इलेवन होता है, जो अपने आप से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, या फिर ऐसे बोलें जिसके दो डिवाइजर होते हैं वो क्या होता है, प्राइम नंबर। दो डिवाइजर प्राइम नंबर, दो से ज़्यादा डिवाइजर मिनिमम थ्री डिवाइजर क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर, क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो इसका हम लोग सेट बनाते हैं यहाँ पे, तो इसका हम लोग चलिए यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो दिया है ऐसा प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ ए 60, जो 60 का डिवाइजर हो, मतलब जो 60 को डिवाइड कर दे, तो 60 जो है 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे सर 6 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, लेकिन 6 प्राइम नंबर कहाँ है, 6 प्राइम नंबर कहाँ है, 10 प्राइम नंबर कहाँ है, 15 प्राइम नंबर कहाँ है, 20 प्राइम नंबर नहीं होता। तो इस तरीके से बस प्राइम नंबर पूछा है ना, तो बस प्राइम नंबर में 2, 3 और क्या आएगा, 5 आएगा, 2, 3 और क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और से भी डिवाइड होंगे लेकिन वो हमारे प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं, ये 5 को करते हैं, और एक सेट क्या दिया है, ई है। अब उसके बारे में जानिए कि वो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है। दिया है ई इक्वल टू द सेट ऑफ ए आर लेटर इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री वर्ड में लेटर का हमको वो बताना है, सेट बनाना है। तो देखिए सेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने राइट, यहाँ पे टिग्नोमेट्री कितनी, टी कितनी बार है, एक बार है, आर कितनी बार है, दो बार है, तो हमको जो सेट बनाना होगा आर को एक ही बार लिखना होगा। आई कितनी बार है, एक बार है, जी कितनी बार है, एक बार है, लेकिन ओ कितनी बार है, दो बार है, तो उसको हमको एक बार ही राइट करना है। जो जो लिखे सारे एलिमेंट को राइट करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई एलिमेंट दो बार है तो सेट में उसको दो बार लिखना है, तीन बार है तो सेट में उसको तीन बार लिखना है, सब एलिमेंट को सेट में एक ही बार लिखना है। समझ में आया, आप लोग कर लोगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। F इक्वल टू द सेट ऑफ ए आर लेटर इन द वर्ड बेटर। अब बेटर में क्या होगा, बताना है कि सेट का जो लेटर के हमको, लेटर का हमको सेट बनाना है। तो यहाँ पे E दो बार रिपीट कर रहा है, T दो बार रिपीट कर रहा है, B R तो सेम ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा B लिख लो, E को एक बार लिख लो, T को लिख लो, और एक बार R को लिख लो, तो ये बन गया हमारा सेट। अब देखिए हो सकता है आपका एलिमेंट आगे पीछे हो जाए, लेकिन वो क्या होगा, हमारा सेट ही होगा, वो हमारा गलत नहीं होगा। हो सकता है कोई ई पहले लिखे, फिर टी लिखे, फिर बी को लिखे, फिर आर को लिखे, तो आर्डर ऑफ ए एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, दिया है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म।
सभी सेट को हमको रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सेट ए को, पहले को हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसको लिखते हैं, पहले कैसे लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। अब एक्स के बारे में बताएंगे कि एक्स हमारा क्या हो सकता है। देखिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो ये सब 3 के मल्टीपल हैं। 3 के क्या हैं, मल्टीपल है। तो लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या है, 3n। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। अब n क्या होगा हमारा, अगर 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, यानी n इक्वल टू 1 2 3 4। n इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे n के बारे में लिखते हैं कि n जो है हमारा नेचुरल नंबर है। n क्या है, n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो काफ़ी सारे होंगे, लेकिन n हमारा क्या होगा, n जो होगा हमारा वो होगा लेस देन 5 से क्या होगा, छोटा। n जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 5 होगा। n क्या होगा, लेस देन क्या हो जाएगा, 5। देखिए पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। x लिए, x क्या होगा, 3n के फॉर्म में होगा, 3 का मल्टीपल होगा। और जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर है, और n हमारा सारा नेचुरल नंबर नहीं होगा, जो नेचुरल नंबर है वो 5 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 1 2 3 4 तक ही हमारा होगा। तो ये पहला रोस्टर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब दूसरा करते हैं, तो पहले x लिखेंगे। अब x के बारे में बताएंगे, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 32, 2 के पावर 1, 2, 2 के पावर 2, 4, 2 के पावर 3, 8, 2 के पावर 4, 16, 2 के पावर 5, 32। तो ये जो है हमारा जो x होगा वो 2 के पावर n के फॉर्म में बन रहा है। किसके फॉर्म में बन रहा है, 2 के पावर n के फॉर्म में बन रहा है। और बोल सकते हैं n नेचुरल नंबर है, और n क्या होगा, 6 से छोटा होगा। n क्या होगा, नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, या फिर डायरेक्ट कर दो n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सिंबल n, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। और जो हमारा n है वो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। 6 से छोटा होने का मतलब, लेस देन 6 होने का मतलब 1 2 3 4 5 तक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 को भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x लिखेंगे। अब 5 है, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 जा 5 के पावर 3 करेंगे तो 125, 5 के पावर 4 करेंगे तो 625, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4। तो x हो गया, और x इक्वल टू 5 के पावर क्या हो जाएगा, n, और n जो है हमारा नेचुरल नंबर होगा, और n जो होगा 5 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 4 तक ही होगा। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। x है, क्या है, x है। अब 2 4 6 कहाँ तक आएगा, नॉट डिफाइन तक। तो ये जो 2 4 6 है ये हमारे कैसे नंबर है, इवन नंबर। तो लिखेंगे x इज इवन नंबर, x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर बोल दे, क्या बोले, इवन नेचुरल नंबर बोल दे, या फिर इवन होल नंबर बोल सकते हैं, या फिर इवन इंटीजर बोल सकते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर। x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो इसको इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं। x लिख लें, x इक्वल टू 2n, क्या लिख दें, 2n, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा इस तरीके से। तो n क्या हो जाएगा, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हमको लिमिट नहीं लगाना है, छोटा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि नंबर नॉट डिफाइन तक है। तो दोनों एक ही फॉर्म में है, दोनों एक ही चीज़ बता रहा है, दोनों एक ही चीज़ बता रहा है। हो सकता है मैंने यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखा, आपने लिखा होगा इवन नेचुरल नंबर, इवन होल नंबर, आपका भी सही, ये भी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो 1 4 9 है, 1 है, 4 है, 9 है, 1 4 9 है।
अब देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, लास्ट में 10 का स्क्वायर कितना होगा जी, 100 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x, लिखेंगे और x जो है x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा क्या हो जाएगा, n के पावर 2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के पावर 2, यानी n का स्क्वायर, और जो हमारा n होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और 11 से क्या होगा, छोटा होगा, और n को मान सकते हैं बिलोंग टू होल नंबर। क्या मान सकते हैं, होल नंबर मान ले, या फिर पॉजिटिव इंटीजर मान ले, या फिर इंटीजर मान ले, क्या मान ले, इंटीजर मान ले, तो ये भी सही है। n इतना हो गया, अगर इंटीजर मानना होगा तो n स्क्वायर के फॉर्म में है, चाहे n निगेटिव ले ले, चाहे n पॉजिटिव ले ले, तो वो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, n इज इंटीजर, n इज क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, n इंटीजर होगा। अब कैसा इंटीजर होगा, ऐसा इंटीजर, देखिए यहाँ पे अगर इंटीजर लेंगे तो माइनस आएगा प्लस आएगा, दोनों आएगा ना, माइनस भी आएगा प्लस भी आएगा, और माइनस नंबर रहेगा, स्क्वायर करेंगे प्लस नहीं आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 10, हम लोग माइनस 10 भी ले सकते हैं, माइनस 10 से बड़ा होगा x होगा, और 10 से क्या होगा, छोटा, और दोनों जगह इक्वल का भी सिंबल लगा देंगे, क्योंकि हम लोग 10 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रोस्टर फॉर्म को हमने क्या कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग, सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सभी सेट को हमको क्या करना है, समझिए कि लिस्ट करना है, लिस्ट मतलब रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट। सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला है एक्स, एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो हमारा अगर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो बोला है एक्स जो है वो हमारा कैसा है, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, इस तरीके से आता रहेगा, इस तरीके से नॉट डिफाइन तक हो जाएगा। तो पहला हो गया। दूसरा बोला है x जो है, x हमारा इंटीजर है, x क्या है, इंटीजर है, और x स्क्वायर जो होगा वो 4 से छोटा होगा या क्या होगा, इक्वल होगा। तो इंटीजर में क्या हो जाएगा बताइए, जो हमारा x है, x हमारा क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो होता है। अब देखिए x जो इंटीजर है तो हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, और उस नंबर का स्क्वायर करें तो वो 4 से छोटा हो या फिर 4 के क्या हो, इक्वल हो। तो इस तरीके से माइनस 2 लेंगे और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 के इक्वल है, और माइनस 1 लेंगे 4 से छोटा होगा, 0 लेंगे 4 से छोटा होगा, 1 लेंगे उसका 1 का स्क्वायर 4 से छोटा, और 2 लेंगे तो 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये 5 एलिमेंट हमारे आ गए सेट बी में आ गए। अभी सेट सी में है, एक्स जो है इंटीजर है, और वो इंटीजर माइनस 1/2 से बड़ा है और 9/2 से क्या है, छोटा है। अब देखिए माइनस 1/2 से बड़ा है, माइनस 1/2 से क्या है, बड़ा है, तो माइनस 1/2 का मतलब 0.5, माइनस में 0.5 अगर देख लिया जाए तो 1/2 से बड़ा इंटीजर कौन होगा, 1/2 से बड़ा इंटीजर जीरो होगा, कौन होगा, जीरो होगा। 1/2 से बड़ा कौन होगा, जीरो होगा। जीरो के बाद 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, और हम लोग 4 लेंगे, और 9/2 करेंगे तो कितना आता है, 9/2 5, वो आ जाएगा 4.5, और 4.5 के इधर ही लेना है तो हम लोग 4 तक ही लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। X इज़ द लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल का बताना है हमको। तो L को दो बार नहीं लिखना है, LOYA, ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। इसके दो क्वेश्चन और हैं, आप लोग देखेंगे तो वो क्वेश्चन इजीली आप लोग कर पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक तरफ रोस्टर फॉर्म, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म, 4 क्वेश्चन है, बस चारों को मैच करना है, ठीक है। तो आप लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक मैंने बता दिया है, एक क्वेश्चन और रह गया है, आप लोग उसको खुद से करेंगे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
इसके बाद वाले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे और उसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।